हस्त मैथुन से धात सिंड्रोम, इसके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हस्त मैथुन ये बहुत बड़ी बीमारी है, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है। हस्त मैथुन नहीं करना चाहिए, वीर्य नहीं कमाना चाहिए, नो फैप मूवमेंट चलती है। बहुत सारे बाबा, महाराज लोग, दाढ़ी वाले बाबा बहुत सारे बोलते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर कि हस्त मैथुन नहीं करना है, वीर्य कमाने का नहीं है। ये सब बातें फजूल है। मैं एक साइंटिफिक चैनल चलाता हूँ और हम हरदम ये बोलते हैं कि हस्त मैथुन से कुछ भी नुकसान होता नहीं है। तभी भी एक सुबह 6 साल के लड़के का फ़ोन मुझे आया और उसने बहुत मुझे पूछा कि भाई मुझे है ना बहुत हस्त मैथुन की गंदी आदत लगी हुई है। बोला क्या हो गया भाई? बोले मैं पॉर्न मूवी देखता हूँ, पॉर्न मूवी पूरी मूवी देखूंगा 1, 2, 3, फिर लिंग में कठोरता आती है और बाद में फिर मैं हस्त मैथुन करता हूँ। रोज़ मेरे कम से कम 2-3 घंटे इसमें जाते रहते हैं और ये आदत है, ये आदत मुझे मेरे से छुड़वाओ। मतलब मैं क्या करूँ, आप कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ? तो बोले कि नहीं नहीं मेरे को तो आदत छोड़नी है, मगर ये छूटी नहीं जा रही है। मतलब ये ठीक है, हस्त मैथुन करे तो बुरा क्या है? आपकी शादी होने की है, उम्र है 24 साल की, तो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं अपने को तो बंद करना है। मतलब बंद क्यों करना है हस्त मैथुन? अच्छा है, क्या प्रॉब्लम है? हस्त मैथुन नहीं करेंगे तो आपको और कुछ करना पड़ेगा, और कहीं जाके सेक्स करना पड़ेगा। मगर वो मानने को तैयार नहीं। उसको मैंने कुछ दवाइयाँ दिया कि जो दवाइयों से जरा दिमाग शांत हो जाता है, बार 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 विचार जो आते हैं वो कम हो जाते हैं। और दवाई देने के बाद में उसको काफ़ी अच्छा लगा। वो हो सकता है कि प्लेसेबो इफेक्ट हो। और बोले अभी मैं महीने में सिर्फ 2-3 बार ही हस्त मैथुन करता हूँ और हस्त मैथुन की जो आदत थी उसमें मुझे बहुत आराम पड़ा है, उसने मुझे बताया। मतलब बहुत अच्छी आदत, बहुत अच्छी बात है। मगर बोले अभी जो हस्त मैथुन मैंने पहले किया हुआ है उससे बहुत ज़्यादा कमजोरी आ चुकी है और उसमें फिर मुझे जो तकलीफ हो रही है बहुत ज़्यादा है, अभी उसका इलाज करो। मतलब क्या हो रहा है? तो बोले नहीं, गाल बहुत बैठ गए, वजन बहुत कम हुआ, आंखों के आजू बाजू में काला सा हो गया है और बार बार विचार आता है कि मैं कमज़ोर हुआ हूँ, कमज़ोर हुआ हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता नहीं है, कुछ काम करने की इच्छा होती नहीं है, नींद बराबर आती नहीं है। तो ये एक्चुअली है धात सिंड्रोम। धात सिंड्रोम मतलब धात जाने का सिंड्रोम, धात जाने की बीमारी। ये धात जाता है पेशाब के पहले, धात जाएगा लेटरिन के पहले, धात जाएगा सपने में, धात जाएगा हस्त मैथुन से। लोगों को यह लगता है कि नहीं, धात जाना ही नहीं चाहिए, धातु जाना ही नहीं चाहिए, और धातु गया तो अपने को बहुत कमजोरी आ रही है। एक बूंद धातु का ये 80 बूंद खून के बराबरी का है ऐसा माना जाता है। ऐसा लोगों में गलत मतलब गलत अंडरस्टैंडिंग है और उससे फिर उनको कमजोरी आती रहती है कि उन्हें बहुत ज़्यादा वीर्य कमाया हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर उसको मैंने कुछ टॉनिक की दवाई वगैरह दिया, उसको बोला कि ऐसा कुछ होते नहीं था, उसको समझा के दिया, काउंसिलिंग किया, काफ़ी सारे वीडियोज उसको बताए और फिर 1-2 महीने में वो अच्छा उसको लगने लगा। तब तक उसकी शादी भी हो गई और शादी के बाद में बोले मैं बहुत अच्छा हो गया। मैं उसको बोला कि भाई शादी में अब तुम्हारा वीर्य कहाँ जा रहा है? तो बोले अभी तो शादी में सेक्स करता हूँ तो औरत के इसमें जा रहा है। फिर मैं औरत के इसमें क्या पेट में जमा हो रहा है क्या अभी वीर्य? बोले नहीं, पेट में तो नहीं जमा हो रहा। फिर मैं कहाँ जा रहा है वीर्य? बोले वो तो जमा होता होगा, पता नहीं जमा भी होता होगा। मतलब जमा कैसे होगा? औरत के इसमें जमा होगा तो बहुत सारा पेट बड़ा हो जाएगा उसका। तो नहीं, बोले बाहर ही आता होगा। फिर बाहर यदि आता है वीर्य तो फिर पहले भी कहाँ जा रहा था? पहले भी बाहर जा रहा था, मगर पहले तुम फिक्र कर रहे थे कि बाहर जा रहा, बाहर जा रहा। अभी औरत की इसमें अंदर जा रहा, वो खड़ी होती है, लेटरिन जाती है, बाथरूम जाती है, तो वो बाहर निकल जाता है। तो अभी आपको कुछ लगता नहीं है। तो ये सिर्फ बिलीफ का सवाल है। बाकी हस्त मैथुन करो, सेक्स करो, सपने में धातु जाओ, सभी समान है, इसमें कुछ असमान नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। वीर्य जाने से कुछ कमजोरी आती नहीं है। वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, सभी जो लोग इनकी शादियाँ होने की उनको शेयर करो ताकि उनमें जो लगता है लोगों को कि मैंने बहुत वीर्य कमा दिया है और मुझे कमजोरी आई है, वो वैसे ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी।
ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।